हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजविंदर कौर एंड आई कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. टू ऑलवेज वेयर अ मास्क फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेज. टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स. टू वॉश माई हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड थोरोली विद सोप एंड वाटर. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 8th class students, we are going to do our chapter number 3. That is functions and charts in Microsoft Excel. We have already read this chapter in our last AV. So now we are going to read from page number 37. That is operating charts. You must have seen various graphs and diagrams in a cricket match showing score of teams, run per over, fall of wicket and so on. So आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि हमें वेरियस जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफ्स के थ्रू शो करते हैं कि रनज उनके कितने आए हैं पर ओवर, फॉल ऑफ विकेट कितने पर आया, वो वेरियस टाइम टू टाइम ग्राफ शो करते हैं हमें. दीज ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर कॉल्ड चार्ट्स. इनको बोला जाता है चार्ट. यू कैन ईजिली क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल. आप एक्सेल में एक चार्ट क्रिएट कर सकते हो. अ चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म. ये पिक्चर की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करके हमें बताता है. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन डेटा फ्रॉम अ चार्ट. तो ये ईजी रहता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना. सो वट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. चार्ट के कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं या किन किन चीज़ों को मिला के चार्ट बनता है. अ चार्ट हैज़ वेरियस कॉम्पोनेंट्स सच एज चार्ट टाइटल, मतलब उसका टाइटल, ग्रिड लाइन्स, लेजेंड, एक्सेसिस एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल. ग्रिड लाइन्स क्या होती हैं? दीज आर द लाइन्स ऑन अ चार्ट दैट आर एडेड टू इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी. ये लाइन्स होती हैं चार्ट के ऊपर जो इनकी रीडेबिलिटी को, जाएंगे हम उनको आसानी से पढ़ सके, उसको हमारे लिए आसान बनाती हैं. एक्स एक्सिस एज अ कैटेगरी एक्सिस, जिसकी तरफ हम कैटेगरी रखते हैं. दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट डिस्प्लेज द कैटेगरीज. और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब लेफ्ट टू राइट. हमने मैथमेटिक्स में भी एक्सिस किए हैं ना, हमारे एक्सिस ऐसे होते थे. ये वाला हमारा एक्स होता था ऐसा, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई. वैसे ही चार्ट में एक्सिस होते हैं. ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाला हमारा वाई एक्सिस. दिस इज़ द वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल मतलब जो ऊपर के नीचे की तरफ आता है, ठीक है, दैट डिस्प्लेज द वैल्यू. और वर्टिकल एक्सिस पे क्या डिस्प्ले होता है? वैल्यूज़. और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या डिस्प्लेज करता है? कैटेगरीज को. लेजेंड, दिस इज़ अ बॉक्स दैट आइडेंटिफाइज वट ईच कलर ऑन अ चार्ट रिप्रेजेंट. तो ये एक बॉक्स होता है, तो ये बताता है हमें चार्ट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट में. तो ये पिक्चर अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है कि चार्ट कैसा होता है. सो दिस इज़ द वाई एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस टाइटल. वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या बोला था कि वैल्यूज़ होती हैं. और वाई एक्सिस टाइटल मतलब उन वैल्यूज़ कौन सी चीज़ की हैं वो बताया गया है, उनका टाइटल दिया गया. दैट इज़ नंबर ऑफ पीसेज सोल्ड, कि कितने पीस बिक चुके हैं. एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस टाइटल है, यानी कि कैटेगरीज हैं. डॉल्स कितनी हैं, पजल्स, सॉफ्ट टॉय, म्यूजिकल टॉयज, ट्राईसाइकल्स, ठीक है. और ये इसका टाइटल है आइटम्स. लेजेंड ये होता है, ठीक है. तो जो ब्लू बताता है कि क्वार्टर वन में कितने बिके, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ठीक है. उन्होंने सेल्स बताई हैं टॉप. और ये हमारे चार्ट का टाइटल है कि किस चीज़ को लेके चार्ट है. और ये ग्रिड लाइन्स इन्होंने बताई हैं, ताकि देखो ये 400 यहाँ तक गया है, 500 गया है. ओके, देन नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ चार्ट. चार्ट की टाइप्स कितनी हैं? हमने वेरियस चार्ट्स के बारे में अभी तक पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में भी. तो चार्ट्स हैं हमारे कॉलम, लाइन, पाए, बार और एरिया. कॉलम चार्ट इस तरह का आइकन होता है. इसका किसके लिए यूज़ होता है? टू कंपेयर द डेटा यूजिंग वर्टिकल बार्स. वर्टिकल जो स्टैंडिंग बार्स होती हैं, खड़ी हुई लाइन्स, ठीक है. देन लाइन चार्ट, टू शो द ट्रेंड्स ओवर टाइम यूजिंग लाइन्स. तो ये ट्रेंड्स शो करता है कि जैसे हमने ट्रेंड्स में देखा होगा कि कोई लाइन है वो जो ऊपर चलती चलती ऐसे नीचे चल गई, मतलब कि जो स्टॉक है उसका वो गिर गया काफ़ी. जैसा लाइन है वो नीचे से चलती चलती ऊपर चली गई, यानी कि उनके जो बिज़नेस में उछाल आया है, उनका बिज़नेस सक्सेस पे है.
तो दिस इज़ अ लाइन चार्ट। देन पाई चार्ट, ये हमने नॉर्मली पढ़ा है, हमने SST की बुक्स में भी देखा है, हमारी जो पृथ्वी है उसका एक चार्ट होता है, उसमें कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट लैंड है, वो बताया जाता है यूजिंग पाई। ओके, दिस इज़ टू कंपेयर द प्रपोर्शन ऑफ एंड पार्ट ऑफ अ होल। तो ये कंपेयर करता है पार्ट्स को। बार चार्ट, टू कंपेयर द डेटा यूजिंग हॉरिजॉन्टल। कॉलम वर्टिकल बार्स में होता है और बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बार, जो लेफ्ट टू राइट होती हैं। और एरिया क्या होता है, दिस इज सिमिलर टू लाइन चार्ट विद द एरियाज अंडर द लाइन फील्ड इन। ये लाइन चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन जो एरिया होता है इसमें, सपोज ये एक लाइन चार्ट है, ठीक है, सिंपल, लेकिन जो एरिया चार्ट होता है उसमें ये जो लाइन के अंडर वाला एरिया होता है ये फील्ड अप होता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ चार्ट। टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल फॉलो दीज स्टेप्स। हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिलेक्ट द सेल्स हुज डेटा यू वॉन्ट टू इंक्लूड इन द चार्ट। उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनका डेटा हमने चार्ट में इंक्लूड करना है। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड द हेडिंग्स। हमें हेडिंग भी को भी इंक्लूड करना है बीच में। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इन द चार्ट ग्रुप, सिलेक्ट अ टाइप ऑफ चार्ट सच एज कॉलम। तो चार्ट में से हमने क्या करना है, अपने चार्ट की टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में भी बताया गया है, ठीक है। ये हमारा डेटा था इन द सेल्स, ये है हमारे हेडिंग्स, हमने प्रॉपर इनको सिलेक्ट कर लिया। इंसर्ट टैब में से चार्ट ग्रुप है जो हमारा, उसमें से हमने क्या किया है, चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमने कौन सा चार्ट लेना है, ठीक है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। देन नंबर 4, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, सिलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जैसे हमने चार्ट सिलेक्ट किया ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। इसमें से हमें किस तरह का चार्ट चाहिए, हमने वो क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सो एक्सेल विल क्रिएट अ चार्ट बाय डिफॉल्ट एंड डिस्प्ले इट एज एन एम्बेडेड चार्ट। उसको उस डेटा के अकॉर्डिंग वो शो कर देगा। एन एम्बेडेड चार्ट इज क्रिएटेड ऑन द सेम वर्कशीट एज द डेटा। तो वो जहाँ पे भी हमारा डेटा है उसके ऊपर ही उसको शो कर देता है। देन नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग अ चार्ट, हाउ वी कैन मॉडिफाई अ चार्ट। ओके, यू कैन मॉडिफाई अ चार्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। अपने एक चार्ट की क्रिएशन के बाद हम उसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट वॉन्ट टू चेंज द वे दैट एक्सेस आर डिस्प्लेड। आप चाहते हो कि उसके एक्सेस चेंज हो जाएंगे, उसमें कोई नया चार्ट टाइटल देना चाहते हैं, मूव और हाइड द लेजेंड। आप लेजेंड को मूव करना चाहते हैं या उसको हाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, चार्ट टूल में से डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब। तो डिज़ाइन टैब है और उसके टूल्स हैं, इसके बारे में रीड करेंगे अभी। सो डिज़ाइन टैब क्या होती है, डिज़ाइन टैब गिवन गिव्स चॉइसेस ऑन सेटिंग द लेआउट एंड स्टाइल। ये लेआउट और स्टाइल के साथ डील करती है, इस तरह की होती है। डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो ये इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे पास आएंगे, चार्ट लेआउट्स है, डेटा है, टाइप है, लोकेशन है, चार्ट के स्टाइल्स हैं, ठीक है, कलर्स भी हैं हमारे पास। सो फर्स्ट इज चार्ट एलिमेंट, यू कैन ऐड और चेंज चार्ट कॉम्पोनेंट सच एज एक्सिस, टाइटल्स, डेटा लेबल्स, ग्रिड लाइंस एंड लेजेंड यूजिंग द ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन इन द चार्ट लेआउट ग्रुप। सो ऐड चार्ट एलिमेंट में हमने क्लिक करना है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ऑप्शंस आती हैं, एक्सिस है, चार्ट टाइटल है, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हम इसमें से चूज कर सकते हैं। चार्ट टाइटल क्या होता है फिर, दिस ऑप्शन इज़ फाउंड इन द एड चार्ट एलिमेंट। एड चार्ट एलिमेंट में से हमें चार्ट टाइटल की ऑप्शन मिल जाती है। इसके आगे भी ऑप्शंस होती हैं, नन, अबव चार्ट और सेंटर्ड ओवरले। दैट मीन्स हमें चार्ट को टाइटल देना है, नन मीन्स हम उसे कोई टाइटल नहीं देना चाहते। अबव चार्ट यहाँ पे शो किया गया है जैसे चार्ट के ऊपर की तरफ, एंड सेंटर्ड ओवरले कि उसके सेंटर में आ जाए हमारा जो टाइटल है। इट्स हेल्प्स इन एडिंग चार्ट टाइटल ऑन द टॉप ऑफ चार्ट। ये चार्ट एड टाइटल को टॉप पे ऐड कर देता है। देन एक्सिस टाइटल, जो हमारे एक्सिस के टाइटल होते हैं एक्स और वाई के, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू ऐड टाइटल्स अलॉन्ग विद द एक्सिस, दैट इज एक्स एंड वाई, टू ऐड द टाइटल टू द एक्स एक्सिस, क्लिक ऑन द एक्सिस टाइटल्स। तो सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस टाइटल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन प्राइमरी हॉरिजॉन्टल द एक्सिस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स अपीयर, जो एक्स साइड के, दैट मीन्स प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है हमारी एक्स होती है, तो एक्स के जो बॉक्स है वो अपीयर हो जाएंगे। टू ऐड अ टाइटल टू द वाई एक्सिस, क्लिक ऑन द एक्स टाइटल्स, देन प्राइमरी वर्टिकल, वर्टिकल मींस जो स्टैंडिंग होते हैं, और हॉरिजॉन्टल मींस जो
लेटे हुए होते हैं, ठीक है। दवाई एक्सेस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स अपीयर, यहाँ पे इन्होंने शो किया है एक्स टाइटल में से प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस, वर्टिकल मींस वाई एक्सिस। देन नेक्स्ट इज़ द लेजेंड। लेजेंड मैंने पहले बताया था आपको कि वो ऑप्शंस देती हैं, जैसे आप मैप मास्टर में मैप करते हो तो उसमें ऑप्शंस दी होती है ना कि ये वाला हिस्सा लैंड है या इतने परसेंट ये है, तो वो हमें बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो लेजेंड हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो लेजेंड क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो करता है? डिस्प्लेज अ मेन्यू विद ऑप्शन नन, राइट, टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम। ठीक है, नन मीन्स कि कोई लेजेंड नहीं चाहिए, राइट साइड चाहिए, टॉप पे, लेफ्ट पे या बॉटम में। टू प्लेस द लेजेंड टू द राइट ऑफ द चार्ट, क्लिक लेजेंड राइट। यू कैन ऑल्सो मेक इन इनविजिबल बाई क्लिकिंग बाय नन। आप इसको इनविजिबल भी बना सकते हो बाई क्लिकिंग ऑन नन। ठीक है, यहाँ पे ये देखो बताया गया लेजेंड में से नन मीन्स कोई लेजेंड नहीं चाहिए, राइट साइड पे लेजेंड आ गया, ये लेजेंड टॉप पे है, ये लेजेंड लेफ्ट साइड पे है, ये लेजेंड है हमारा बॉटम पे। तो हम इसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन डेटा लेबल्स। डेटा लेबल हेल्प्स टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑन द चार्ट। ये हमें हेल्प करता है कि हम कोई भी वैल्यू है कॉलम के ऊपर लिख सकें, ठीक है, अकॉर्डिंगली। सो क्लिक ऑन द डेटा लेबल एंड चूज द लेबल लोकेशन फ्रॉम द मेन्यू। ठीक है, एलिमेंट में से डेटा लेबल पे जाना है और उसमें हमें लोकेशन चूज़ करनी है। ये देखो नन मीन्स कोई भी हमें डेटा लेबल नहीं देना है। सेंटर मीन्स जो हमारे कॉलम है उसके सेंटर में इन्होंने देखो यहाँ पे जो रेड रेड दिया हुआ है डेटा लेबल लगाए हुए हैं। इनसाइड एंड मतलब जो हमारी बार है कॉलम की उसके अंदर वाली साइड टॉप पे। ठीक है, इनसाइड बेस मतलब जो हमारी बार है उसके बॉटम पे हम ये डेटा लेबल दिए हुए हैं। आउटसाइड एंड मतलब जो हमारी बार है कॉलम है उसके टॉप पे आई है आउटसाइड की तरफ, या डेटा कॉल आउट जो एक मैसेज की बॉक्स की तरह बन के आ जाता है उसमें हम डेटा लेबल दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डेटा टेबल। सो दिस ऑप्शन एड्स अ टेबल ऑफ डेटा टू द चार्ट। तो ये करती है कि डेटा टेबल को चार्ट में ऐड कर देती है। सो इसके लिए क्लिक ऑन डेटा टेबल विद लेजेंड कीज। सो डेटा टेबल और विद लेजेंड कीज, तो ये हमारे पास हमारा जो टेबल है ये हमारा चार्ट बन के आ गया और ये उसके नीचे ही टेबल बन के आ गया कि ब्लू रेफर्स टू इंग्लिश, मैथ रेफर्स रेड, ग्रे रेफर्स साइंस एंड येलो सोशल स्टडीज। ठीक है, तो ये लेजेंड के अकॉर्डिंग डेटा भी आ गया प्रॉपर। नेक्स्ट इज ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्यों यूज़ होती हैं? सो इट अलाउ यूज़र टू स्पेसिफाई वेदर एंड हाउ द ग्रिड लाइन विल बी डिस्प्लेज ऑन द चार्ट। तो ये यूज़र को अलाउ करता है कि हम लाइन शो करनी है। इट हैज़ ऑप्शन लाइक प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी मेजर वर्टिकल, प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल एंड माइनर वर्टिकल। ठीक है, ये देखो जो पिक्चर है इसमें बताया गया है ग्रिड लाइन में से ये प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल है, मतलब थोड़ी वाइड लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल साइड को। मेजर वर्टिकल मींस वाइड लाइन है ये वर्टिकल साइड को। माइनर मींस जो विथ है लाइंस की वो कम हो गई है। माइनर हॉरिजॉन्टल एंड माइनर वर्टिकल रेड लाइंस में ग्रिड लाइंस दिखाई गई हैं। देन नेक्स्ट इज चार्ट लेआउट। सो चार्ट लेआउट किस चीज़ के लिए है? कि चार्ट की लेआउट हमारे की कैसी होनी चाहिए। Rather than specifying each chart element, you can also select a option in the quick layout menu. This menu has a number of predefined chart layout. So हम बारी बारी से अकेले अकेले एलिमेंट को सिलेक्ट करने की बजाय अगर चार्ट लेआउट में से सारी चीज़ें एक ही बार सिलेक्ट कर लें so this can be possible by quick layout menu. Click on the quick layout button and then select the one that is required. तो क्विक लेआउट में हमारे पास देखो प्रीडिफाइंड लेआउट इन्होंने पहले से बना के रखे हैं। ग्रिड लाइंस भी है इसमें, लेजेंड भी है, टाइटल्स भी है, कौन से टाइटल कहाँ पे चाहिए अकॉर्डिंगली सब कुछ है। ठीक है, ये देखो ऐसे डाटा टेबल शो किया गया है। लेफ्ट राइट साइड पे लेजेंड है इसका, ठीक है, इसका लेजेंड बॉटम पे है। नेक्स्ट है हमारा चार्ट स्टाइल्स। सो जस्ट लाइक द क्विक लेआउट बटन द चार्ट स्टाइल गैलरी ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ चार्ट स्टाइल्स। सो क्विक लेआउट की तरह ही जो चार्ट हमारी स्टाइल गैलरी है इसमें भी मल्टीपल जो स्टाइल्स हैं प्रीडिफाइंड है। क्लिक ऑन द मोर एरो टू सी ऑल द रेडीमेड चार्ट स्टाइल्स।
तो हमें मोर पे क्लिक करना है, क्या किस चीज़ के लिए, देखने के लिए कि कितने रेडीमेड स्टाइल्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिज़ाइन में से जिस चार्ट स्टाइल की कैटेगरी है, इसमें देखो प्री डिफाइंड चार्ट्स पहले से पड़े हुए हैं कि बैकग्राउंड कैसी चाहिए, ग्रिड लाइंस कैसी हैं, डेटा कैसा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज चार्ट टाइप, हम चार्ट की टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द चेंज चार्ट टाइप बटन इन द टाइप ग्रुप, टाइप ग्रुप में से हमने करना है उसको, देन चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, तो चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो जाएगा। किससे चेंज करना है, चेंज चार्ट टाइप बटन है हमारा टाइप ग्रुप में पड़ा डिज़ाइन टैब की। ओके, तो उसमें से हमने जब क्लिक किया तो हमारे पास चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स आ गया, ये देखो। देन सिलेक्ट द न्यू चार्ट टाइप एंड द रिक्वायर्ड लेआउट, देन क्लिक ऑन ओके। तो इसमें से अकॉर्डिंगली अपनी जो चीज़ें हमने चूज़ करनी है उसको चूज़ करो एंड देन क्लिक ओके। तो जो आपके चार्ट का स्टाइल है, टाइप है, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्विच रो एंड कॉलम डेटा, अगर अपने रो और कॉलम का डेटा स्विच करना है। टू स्विच द रो एंड कॉलम ऑफ द चार्ट क्लिक ऑन द स्विच रो कॉलम बटन इन द डेटा ग्रुप। सो फिगर शो कर रही है दैट यू कैन चेंज सी द चेंज्ड रो एंड कॉलम्स। तो इन्होंने रोज एंड कॉलम्स को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ओके, आफ्टर चार्ट आफ्टर स्विचिंग द एक्सिस चेंज कर दिए हैं, इसकी तरफ कुछ और लिख दिया है, एक्स एक्सिस की तरफ कुछ और लिख दिया है। तो स्विचिंग क्या करती है, वो रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में स्विच कर देती है। नेक्स्ट इज मूव चार्ट, अ चार्ट कैन बी मूव्ड टू अ न्यू लोकेशन, हम पूरे के पूरे चार्ट को नई लोकेशन पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो स्टेप्स क्या है, इन द लोकेशन ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब के लोकेशन ग्रुप में से हमें क्या करना है, मूव चार्ट पे क्लिक करना है, तो डायलॉग बॉक्स है मूव चार्ट का अपीयर हो जाएगा। देन सिलेक्ट द न्यू शीट ऑप्शन, न्यू शीट है जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट करनी है, एंड टाइप अ नेम फॉर द न्यू वर्कशीट इन विच द चार्ट इज टू बी मूव्ड। सो उसका नेम है हमें टाइप करना है जहाँ पर हमें चार्ट मूव करना है। सो न्यू शीट, चार्ट का नेम, देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मेट टैब, डिज़ाइन टैब हमने ऑलरेडी रीड कर ली है, नाउ इट्स टर्न टू फॉर्मेट टैब। सो यू विल फाइंड द कमांड्स फॉर फॉर्मेटिंग द चार्ट टेक्स्ट एंड नंबर्स इन द फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेटिंग टैब में हमें जो उसको स्टाइल करना है और हमें उसको सजाना है, उसके लिए है ये टैब। क्लिक ऑन द चार्ट टू सिलेक्ट इट, चार्ट को हमने सेलेक्ट करना है। क्लिक द एरो बिसाइड द टेक्स्ट फिल ऑप्शन इन द वर्ड आर्ट ग्रुप, वर्ड आर्ट स्टाइल में जो एरो है उस पर क्लिक करना है हमें। टेक्स्ट फिल ऑप्शन में सिलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर पैलेट, कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। तो कलर पैलेट में से कलर चूज़ करने के बाद इन द सेम वे चूज़ द कलर फॉर एक्सिस टाइटल एज वेल, हम और भी जो हमारे एक्सिस टाइटल है, एक्स एक्सिस का टाइटल है, वाई एक्सिस का टाइटल है, उसके लिए भी कलर चूज़ कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द शेप फिल ऑप्शन इन द शेप स्टाइल, ठीक है, शेप स्टाइल में से हमें शेप फिल ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सिलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें से भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे चार्ट को कलरफुल बनाने के लिए है ताकि वो अच्छा दिखे जब हम उसको प्रेजेंट करें। देन नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ कॉम्बिनेशन चार्ट, अ सिंगल चार्ट दैट प्लॉट्स अ सीरीज यूजिंग डिफरेंट चार्ट टाइप्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन चार्ट। कॉम्बिनेशन चार्ट मतलब जो दो या दो से ज़्यादा चार्ट के ग्रुप से बना हुआ हो, क्योंकि उसमें टाइप्स यूज़ किए हुए हों डिफरेंट चार्ट्स की, एक सिंगल चार्ट में डिफरेंट चार्ट टाइप्स यूज़ किए गए हों। इट मे हैव अ सेकेंड वैल्यू एक्सिस, ठीक है, सेकेंड वैल्यू एक्सिस भी इसमें हो सकता है। फॉर एग्जांपल देयर आर चार्ट दैट शो बोथ कॉलम एंड लाइन चार्ट विद टू वैल्यू एक्सिस, हो सकता है कि उसमें कॉलम और लाइन चार्ट दोनों हों और उसके वैल्यू एक्सिस भी टू हों। सो स्टेप्स क्या है, सिलेक्ट द डेटा रेंज, हमें रेंज को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स A1 to C7, उन्होंने A1 सेल से लेके C7 तक को सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इन द चार्ट ग्रुप, क्लिक रेकमेंडेड चार्ट, द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। सो यहाँ पे इंसर्ट चार्ट जो हमारा डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाता है। इसमें से हमने क्या करना है, क्लिक द ऑल चार्ट्स, ऑल चार्ट्स पे क्लिक करना है हमें। इन द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन कॉम्बो, लेफ्ट पेन में सबसे लास्ट में कॉम्बो है उस पर क्लिक करना है।
अंडर द कस्टम कॉम्बिनेशन इन द चूज चार्ट टाइप एंड एक्सेस फॉर योर डेटा सीरीज पैनल यू हैव टू सेलेक्ट क्लस्टर्ड कॉलम एज द चार्ट टाइप। तो हमें क्लस्टर्ड कॉलम्स है जो चूज करने हैं अंडर द चार्ट टाइप, ठीक है। देन फॉर कैरिड कंसाइनमेंट एवरेज प्राइस सिलेक्ट लाइन एज चार्ट टाइप, ठीक है। तो कैरिड कंसाइनमेंट के लिए हमें लाइन चार्ट चूज करना, यहाँ पे हम चार्ट टाइप यूज़ कर रहे हैं। एंड सिलेक्ट द सेकेंडरी एक्सेस चेक बॉक्स, और सेकेंडरी एक्सेस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना जैसे इन्होंने यहाँ पे किया। देन क्लिक ओके, आपका जो चार्ट है वो शो हो जाएगा। इसमें कॉलम्स भी हैं और इसमें एक लाइन चार्ट भी है और एक्सिस भी है इसमें डबल, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे एक एक्सिस है एक्स, ओके। सो दैट्स इट, आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो लास्ट में हमने दो चार्ट्स को एक ही चार्ट में कॉम्बिनेशन किया था उनका, और उनकी जो वैल्यू एक्सिस है हम दो भी ले सकते हैं, ओके। सो योर थर्ड चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड बच्चे।